आज के दिन इस कार्यक्रम का मंगलाचरण के लिए चंद्रकांत जी साहू जी इनको निमंत्रित करते हैं, वे आएंगे और मंगलाचरण करेंगे। खाली समोर बसून गए जय बोलो नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि संघ की। गुरु तुम्हारे पावन पथ पर, गुरु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो दृढ़ संकल्प हमारा। गुरु तुम्हारे पावन पथ पर प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। नहीं अपेक्षा औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारी वचनों का, एक तुम्हारी वचनों का, भगवन प्रतिपल सबल सहारा। गुरु तुम्हारे पावन पथ पर, गुरु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बड़े चले हम रुके न क्षण भी, बड़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। गुरु तुम्हारे पावन पथ पर आत्मशुद्धि का जहाँ प्रश्न है, संप्रदाय का मोहन हो। आत्मशुद्धि का जहाँ प्रश्न है, संप्रदाय का मोहन हो। तोड़ गिराए जीर्ण शीर्ण जो अंतरूणियों के धागे, आगे बढ़ने का यह युग है, आगे बढ़ना सबको प्यारा। गुरु तुम्हारे पावन पथ पर। चलो आचार्य विद्यासागर जी मन हमें आवाज की जय। आज बहुत वर्षों के प्रतीक्षा के बाद परम पूज्य आचार्य श्री का यहाँ आगमन हुआ है। हम आज धन्य धन्य हो गए हैं, ऐसी भावना हमारी जगती है। यह क्षेत्र 2,500 साल पूर्व प्राचीन क्षेत्र है। यहाँ पर भगवान महावीर का समोषण आया था, ऐसी किंवदंता है। और 2300 साल पहले आचार्य भद्रबाहु उनके चंद्रगुप्त साथ चंद्रमुनि मुक्ति के साथ आए थे, मुनि महाराज के साथ। और चंद्रगुप्त के सम्मानार्थ सामने की पहाड़ी पर चंद्रगिरी नामांकन हुआ था। और ये नेमगिरी पर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने अपने जीर्णोद्धार के समय या प्रतिष्ठा के समय सूर्य मंत्र दिया। सूर्य मंत्र के प्रभाव से साक्षात अरहंत अवस्था मूर्ति को प्राप्त हो गई है। और ऐसे पार्श्वनाथ भगवान, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान अपने यहाँ विराजमान है 2300 साल से। इसका श्लोक अपने निर्वाण क्षेत्र में, सॉरी कुंदकुंदाचार्य की निर्वाण भक्ति प्रकृत, इसमें 28वां श्लोक इस क्षेत्र के संबंध में आता है। श्रीमश्चंद्र भाव राक्षसम सदा अर्चे चारण पादु कांचन गुहे सर्वामरे रचिताम भास्व लक्षण पंक्ति निवृति पथम बिंदुंच धर्मम शिलाम सम्य ज्ञान शिलांच नेमि निलयम वंदे सशृंग त्रयम। ये नेमिनाथ भगवान का 3 श्रृंग युक्त शिखरबद्ध मंदिर को वंदना करते हुए पहली लाइन में चंद्रगुहा चंद्रगिरी पर, बीच में 2 पहाड़ी के बीच में 4 धारी मुनियों के चरण कमल है उसका, ऐसे
पहाड़ियों पर पूरे जैन मंदिरों के अवशेष अभी भी मिलते हैं। ऐसी पूर्ण प्राचीन काल में अत्यंत वैभवशाली एक क्षेत्र था और उसकी वंदना कुंद आचार्य ने करके इस क्षेत्र को निर्वाण क्षेत्रों की श्रृंखला में बैठा दिया है। ऐसे ही पावन क्षेत्र पर 400 साल पहले श्री वीर संघवी यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ का जीर्णोद्धार के काल में यवनों के आक्रमण से यह क्षेत्र ध्वस्त पस्त हो गया था और भूमिगत हो गया था, तो इसलिए उसकी कुछ बाद में प्रसिद्धि नहीं थी। लेकिन 400 साल पहले वीर संघवी यहाँ आकर उन्होंने क्षेत्र की जीर्णोद्धार, तो ऐसे प्राचीन क्षेत्र पर आज आचार्य श्री का आगमन हुआ है। हम अत्यंत हमें इतना आनंद हो रहा है कि हम कह नहीं सकते शब्द। पशु या ठिकाणी गोशाळेमध्ये आहेत आणि बाकीची सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी आचार्यशी जाणार। ओम रूम परम पूज्य संतोषम ने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरोपामिते स्वाहा भव सुख विमुख करे निज पद से संस्कृति दुखदाई शीतल चंदन चरण चढ़ावत भव आताप नहीं गुणरत्नाकर ज्ञान दिवाकर विद्यासागर राया पूजन करके गुरु आपका सफल हुई काया। ओम रूम परम पूज्य संतोषमणि आचार्य विद्याजी मामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम ने सकल जगत सुख विफल जान कर आया तुम शरणे सुरभित तंदुल चरण चढ़ावत अक्षय सुख पाने पूजन करके गुरु आपका सफल हुई काया। ओम रूम परम पूज्य संतोषमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निरूपामिते स्वाहा काम बान बलवान पुष्पले चरण चढ़ावत काम नाश होई। ओम रूम परम पूज्य संतोषमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिते भूख महादुख रूप चरण चढ़ावत है गुणर सहित सदने नहीं देते दीप जलाऊं मोहन शाऊ ज्ञान ज्योत प्रगटे। ओम रूम परम पूज्य संतोषमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिते स्वा अगरु तगरु वारत आउ नहीं भव कानन में अष्टकर्म पुनष्ट करन ज्ञान दिवाकर विद्यासागर राया पूजन करके गुरु आपका सफल हुई काया। ओम रूम परम पूज्य संतोषमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दानाय धूपम निरूपामिते स्वा सुरस मधुर फल विफल जगत के जान शरण आया नाना विधि फल चरण चढ़ाऊ शिव फल मन भाया गुणरत्नाकर ज्ञान दिवाकर विद्यासागर राया पूजन करके गुरु आपका सफल हुई काया। ओम रूम परम पूज्य संतोषमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूप द्रव्य मिली अर्घ्य उतारु शिवपुर चाहत हो शिव पद निज पद दीजे मुझको तुम गुण गावत हो रत्ना कर ज्ञान दिवाकर विद्यासागर राया
पूजन करके गुरु आपका सफल हुई काया। ओम रूम परम पूज्य संतोषमय चरभगवन विद्यासागर जी मामनिंद्राय अन्नर्ग प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिते स्वाहा। जाल को तोड़ कर छोड़ दिया घर परिवार, करुणा कर करुणा किए निज पर मुनि व्रत धार। परम तपस्वी तप किए बन कर मुनि निष्काम, करता पूजन लगन से करो इंद्राय अन्नर्ग प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिते स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हैं, निवेदित करते हैं हम सब लोगों को इस पावन अवसर पर उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जल परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। जब भक्त भगवान के बिंब के सामने खड़ा हो जाता है तो उसके हाथ अपने आप ही कमल के बोंडे की भांति यूं जुड़ जाता है और मस्तक किसी के सामने नहीं था किंतु अपने आप ही झुक जाता है। आंखों में एक प्रकार से हर्षाश्रुओं का वर्षण प्रारंभ हो जाता है और शरीर में पूरे रोम रोम एक प्रकार से अंग अंग और अंतरंग से वह रोमटे खड़े हो जाते हैं। अब उसका कंठ कुछ भूलने के लिए आतुर होता है किंतु कहना नहीं चाहता। आपका यह सुंदर दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है। अब इन मूर्तियों के बिंबों के दर्शन करने से आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर हमारे इस नमोस्तु को स्वीकार कर लेना, और क्या कहा जा सकता है। अपार समुद्र के सामने उसी को, इसकी आशा को आप पूरे के पूरे परिवर्तित आप वर्षों से जहाँ कहीं भी हमारा प्रवास होता था वहाँ आते थे और यहाँ के जो चित्र हैं उन्हीं को व्यवस्थित करके दिखाते थे और एक बार आपको बहुत जल्दी आना है। हम सुनते थे ऊपर ऊपर से अब कैसे हाँ कहें, किंतु कभी भी हमने ना नहीं कहा। इसी से इनको ऐसा विश्वास होता था कि कहीं न कहीं कभी न कभी महाराज जी अवश्य आ जाएंगे। रामटेक में तीन चातुर्मास हुए और वहीं पर
गर्मी के काल में भी रहे, यहाँ के लोग आते रहे। मुक्तागिरी में तीन चातुर्मास हुए और शीत काल भी हुआ, गर्मी का भी काल हुआ, उस समय में भी आप लोगों का आना हुआ। भातकुली तक तो हमारी यात्रा हो गई, उसके आगे हुआ नहीं हमारी यात्रा, किंतु आज उसको नहीं ऐसा कह नहीं सकते, किंतु हाँ दर्शन हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने भगवान के सामने प्रार्थना की है और उस अधिकार को कौन रोक सकता है, भावना ही भावनाशनी कही गई है। अभी देख रहा था कुछ बोलना चाह रहे थे, संकोच में पड़े थे, मेरी मराठी भाषा है और ये मराठी भाषा समझते नहीं गए। नहीं, आप बोलेंगे तो हम समझेंगे, बोल नहीं सकते किंतु हम महाराष्ट्र में जो आ जाते हैं लोग, वो सब बहुत ही सुंदर मराठी बोलते हैं, जानते हैं, साहित्य भी जानते हैं, यहाँ का प्राचीन जो है शिक्षा विधि चलती है और उसका हमने कुछ अध्ययन भी किए हैं, चरित्र भी पढ़े हैं और गद्य भी और पद्य भी। क्योंकि वह आगे उत्तर प्रदेश में भारत में मुख्य रूप से हिंदी का ही प्रचलन चलता है, वह 12 राज्यों में एक प्रकार से हमने उनके लिए एक निर्णय किया था, मतलब आग्रह किया था कि यह कम से कम सभी जीवों के लिए या मानव के लिए अपने अपने न्याय के विषय को समझने के लिए उसी भाषा में रूपांतरित हो, तो उसके कार्य में काफ़ी सरकार आगे बढ़ चुकी है। और आप लोगों को इस, क्योंकि आपकी यह मराठी भाषा एक प्रकार से हिंदी भाषा के साथ उसका काफ़ी तालमेल है, लिपि की अपेक्षा से भी है, साहित्यिक दृष्टि से भी है। इस प्रकार आप लोगों का यहाँ पर, चूँकि भारतवर्ष बहुत ही बड़ा और लोकतंत्र का एक नमूना है, नमूना क्या, और कोई है ही नहीं इतने बड़े देश जो लोकतंत्र के माध्यम से सारी इस जनता का संरक्षण, संवर्धन और परिवर्तन आदि के साथ इन सबको निर्वाह करने का काम भी बहुत ही कठिन होता है, किंतु यहाँ पर अहिंसा धर्म की विशेषता होने के कारण आप सब लोगों को इसके माध्यम से धर्म का, संस्कृति का, सबका लाभ साहित्य के माध्यम से मिल रहा है। और आगे भी अहिंसक शासन आने के कारण इसमें बहुत ही हम आशा नहीं विश्वास रखते हैं, अल्प समय में यह भारत एक प्रकार से विश्व में प्रसिद्धि पाने का और कोई लोभ नहीं है, किंतु सब जनता को इससे सुख मिले, शांति मिले, सबको आगे बढ़ने का उत्साह भी बढ़ता चला जाए, ऐसी धारणा, ऐसी भावना लेकर के सरकार भी काम कर रही है। अभी हम आए हैं, देखो आप लोगों ने मांग की है, भावना रखी है, नेता लोग हाँ कह करके नहीं आते हैं, ऐसा हम तो नहीं कर सकते फिर भी तात्कालिक देखो का यहाँ पर आए आ गया है, क्योंकि इन लोगों को जाते ही एकाद ऐसी योजना इनके सामने रखी जाए तो यह
मूल संस्कार विधि जनता में फैल जाए, जिसके माध्यम से अहिंसा देवता की पूजा महत्व क्या है जन जन तक पहुंच जाए, इस हेतु से कल नहीं परसों या परसों यहाँ या एकाध दिन आने वाले थे, लेकिन गाड़ी बहुत लेट हो गई है। कभी कभी गाड़ी से विलम्ब हो सकती, लेकिन पहले आना बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे और उम्मीद रखे थे कि अब तो बिल्कुल पास ही आ गया है, तो यह बहुत अच्छा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी रखी है उसको क्रियान्वयन करने की अपेक्षा से प्रयासरत हैं, और बच्चों को इस निमित्त से और उनके अभिभावक भी यहाँ पर आकर के यहाँ के वातावरण से लाभान्वित होंगे। दूर दूर से भी बातें आ रही हैं कि हम भी आ रहे हैं और आप कब पहुँच रहे हैं भी। हमारे पास कोई मोबाइल वगैरह व्यवस्था नहीं रखी है, आप अपना भावना लेकर के आइए, हम यहाँ पर तब तक पहुँचने की उम्मीद रखते हैं। और बहुत अच्छा, अहिंसा परमो धर्म की जलो। परम पूज्य संत श्रोणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की।